स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल रिकॉर्ड। आज मैं ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ऐसे साइकोपैथ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आप रोंगटा खड़ा हो जाएंगे। लगेगा कि क्या ये इंसानी है, एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ ऐसा हैवानियत कर सकता है? तो जी हाँ, तो मैं आज कुछ साइको किलर के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और बताऊंगा कि किस तरीके से ये साइकोपैथ विक्टिम को पकड़ते थे, फिर विक्टिम को मारने के बाद उनका साथ क्या क्या करते थे। तो बहुत ये सब साइकोपैथ के बारे में एक चीज आप कॉमन देखिएगा कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी आया था आपका जाकर नेटफ्लिक्स का। ये वेब सीरीज में बताया गया FBI का एजेंट था, तो उन लोग क्या करता था, जाके आपका जाकर इंटरव्यू लेता था ये ऐसे ही साइकोपैथ लोग का कि क्यों इन लोग क्या मजबूरी था कि इन लोग ऐसा बड़ा बड़ा क्राइम किए और ऐसा दर्दनाक और खूंखार काम किए जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो उससे रिलेटेड जब इन्फॉर्मेशन और जब इंटरव्यू लिया गया तो एक बात कॉमन पता चला कि इन लोग बचपन से डिप्रेशन का मरीज रहा करते थे, इन लोगों को बचपन से सताया जाता था, अकेला का शिकार रहते थे। तो ये सब चीज नफरत पैदा हो गया था सोसाइटी के प्रति और सोसाइटी में एक पर्टिकुलर शख्सियत के प्रति या एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति, तो इन लोग उसी जेंडर और उसी कम्युनिटी को टारगेट करके मारते थे। जिस तरीके से ज्यादातर साइकोपैथ लड़की लोग को मारता था, जवान लड़की लोग को, कोई साइकोपैथ प्रोस्टिट्यूट लोग का निशाना बना के मारता था। तो कहीं ना कहीं बताया गया कि उन लोग का बचपन में लिंक उन लोग से था, उन लोग से उनका गहरा प्रभाव पड़ा जिसका वजह से उन लोग पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके मारते थे। तो आज में सबसे पहला जो हमारा लिस्ट में है उसका नाम है टेड बंडी। टेड बंडी एक फेमस आपको जाकर 1970 का दशक का अमेरिका का एक खूंखार अपराधी था। टेड बंडी जो है एक सीरियल किलियर था, सिर्फ सीरियल किलियर नहीं वो क्या करता था, एक किडनैपर भी था, रेपिस्ट भी था और डकैट भी था, डकैती भी करता था। टाइम के साथ साथ उसका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या होता था कि वो जो फीमेल विक्टिम होती थी, जो महिला होती थी, जो औरतें होती थी, उन लोगों को शिकार के लिए चूज करता था। पहले तो उसको किडनैप करता था लड़की लोग को, फिर उसके बाद उस लड़की का रेप करता था, फिर लड़की का रेप करने के बाद उसका बॉडी का पार्ट पार्ट टुकड़ा टुकड़ा कर देता था। टुकड़ा करने के बाद लड़की का सर को अपना साथ लेके चले जाता था और इंटरव्यू में बताया गया है कि ये लड़की का सर को काट के ब्लो जॉब लेता। आप समझ लीजिए ब्लो जॉब का मतलब क्या है, ठीक है? और ये चीज आपको जाकर वो जो वेब सीरीज है उसमें भी बताया गया है। तो ये इतना बड़ा हरकत करता था। 1989 में 1989 में इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट करने से पहले उसने एक्सेप्ट किया कि उसने 30 लोगों को किडनैप करके मारा है और ये 30 कोई मर्द नहीं था, 30 का 30 औरत थी। तो सोचिए कि बचपन में इसका जब इंटरव्यू लिया गया, ये बताया गया कि ये बचपन में इसका माँ इसे बहुत टॉर्चर करती थी, तो ये अपना माँ को भी मारा था, ये समझ लीजिए। तो और ये लड़की लोग मार सर काट के उसका ब्लो जॉब लेता था। और लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि ये रेट जो है बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं, 30 तो उसने एक्सेप्ट किया, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है। जो हमारा लिस्ट में दूसरा नाम है हेरोल्ड शिपमैन। हेरोल्ड शिपमैन को डॉक्टर डेड भी कहा जाता था। हेरोल्ड शिपमैन 1972 से लेकर 1998 तक वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर का प्रैक्टिस करता था। इस दौरान उसने 218 पेशेंट लोग को मारा। ये 218 लोग जो मरे इसी का पेशेंट है, लेकिन ये जो मर्डर का जो विक्टिम लोग का जो रेशियो है या जो नंबर है ये ज्यादा भी हो सकता है, ये सोशली एस्टिमेटेड है। ये एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन था शिपमैन, तो इसे विक्टिम मिलना बहुत आसान होता था। तो लोग इसका पास आते थे इलाज कराने और ये लोगों को मारना शुरू कर देता था। जब बहुत रेट बढ़ गया कि जो लोग इसका पास जा रहा मर जा रहा, और ज्यादातर ये जो मौत का घाट उतारता था ये पेशेंट में बूढ़ी औरतें होती थी, बूढ़ी औरतों लोग को ये ज्यादा मौत का घाट उतारता था। तो जब बहुत ज्यादा इस मौत का लगातार एक डॉक्टर जा सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, तो लोगों को शक हुआ कि आखिर ये क्या कर रहा है। फिर एक विक्टिम का बेटी थी, 2000 में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, तो इसे धरा गया और इसे सजा दिया गया। 2004 में इसने जेल में ही सुसाइड कर लिया। हो सकता है इसे किसी ने मार भी दिया हो, लेकिन रिपोर्ट में तो यही आया 2004 में जब ये जेल में था इसने सुसाइड कर लिया। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जितना भी साइकोपैथ या जो किलर होते हैं ये लोग कभी भी सुसाइड नहीं करते, इन लोगों का जिगरा बहुत मजबूत होता है। ये बात समझ के चलिएगा, किसी को मारना, दर्दनाक मौत देना किसी नॉर्मल इंसान का बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों का मौत का घाट उतार देते हैं। तो इन लोग जब इतना मौत का घाट उतार देते हैं कि क्या वो खुद सुसाइड कर सकते हैं, तो ये सोचने वाला बात है। हमारा लिस्ट में तीसरा नाम है एंड्रे चिकाटिलो। इसका टाइम पीरियड है 1978 से लेकर 1990 का बीच में। ये रशियन सीरियल किलर था। ये कहाँ का रहने वाला था, रशिया का रहने वाला था। इसने लड़की लोगों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट भी किया और सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद उन लोग को मौत के घाट उतार देता था। इसलिए मौत के घाट उतारने के बाद फेंक नहीं देता था, बॉडी को म्यूटिलेट करता था, यानी कि बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा करता था, बॉडी का पार्ट्स को निकालता था। बताया जाता है कि 50 यंग वुमेन को और बच्चों लोग को मारा। ये क्या करता था चिकाटिलो, पहले अपना विक्टिम को चाकू से घोप घोप के मारता, स्टैबिंग करता था। फिर मारने के बाद जब विक्टिम उसका मर जाता था, उसका बॉडी को
छुरी से टुकड़ा टुकड़ा करता था। इसका सबसे यंगेस्ट जो सबसे कम उम्र की जो बच्ची थी जिस इसने मारा वो 9 साल का थी। सोचिए 9 साल का बच्ची को इसने मौत के घाट उतार दिया और मौत से पहले ये क्या करता उसका साथ सेक्स करता था, फिर उसे मारता था, फिर उसका बोटी बोटी करता था। शिकार टीलो को बूचर ऑफ रॉस्टोव भी कहा जाता था। रेड रिपर भी इसको टाइटल दिया गया था, रॉस्टोव ऑफ रिपर भी कहा जाता था। इसने कन्फेस किया था कि इसने 56 ब्रूटल मर्डर किया था, लेकिन इसे 53 मर्डर के लिए ही ट्रायल किया गया और इसे 1994 में फायरिंग स्क्वाड ने इसे गोली मारकर इसे मौत के घाट उतार दिया। दूसरे नंबर पे हमारा और जो हमारे लिस्ट में है उसके नाम है जेफरे डहमर। जेफरे डहमर का नाम अगर हम लोग सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे हैं और जेफरे डहमर के बारे में बात ना करें तो हमारा लिस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो डहमर का पूरा नाम इसे कहा जाता था, डहमर को का टाइटल था मिलवॉकी कैनिबल। कैनिबल किसे कहा जाता है? जो इंसान का गोश्त को खाता है, इंसान का मांस को खाता है, उसे कैनिबल कहा जाता है। तो ये 17 यंग मेन को मतलब 17 नौजवान मर्दों को मारा था। ये मर्दों को मारता था, लड़का लोग को मारता था, वे जवान लड़कों को। 14 साल में इसने 17 जवान लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। स्लीप ये जो डैमर था ये स्लीप मर्डर नहीं करता था, ये लड़का लोग का रेप करता था। सोचिए फिर लड़का लोग का रेप करते हुए लड़का बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा करता था, फिर टुकड़ा करने के बाद उसे पका के खाता भी। सोचिए पहले विक्टिम को धरता था, उसे रेप करता था, उसका टुकड़ा टुकड़ा करता था, फिर उसके बाद उसे खाता भी। जब इसे ट्रायल किया गया था तो ये ट्रायल का दौरान ही जज के सामने आदमी कोर्ट में जाता है, जब अपना मौत का जब खबर सुनता है तो डर जाता है। तो ये क्या बोल रहा था जज के सामने खड़ा बैठकर, मैंने अपना विक्टिम लोग को मारता था और मैंने कुछ विक्टिम को तो मैं सर में होल करता था और उसका साथ सेक्स करता था, मारने के बाद वो सेक्स करता था। एक माइंडलेस स्लेव बना देता था किसे, मैं अपना विक्टिम को। तो 1994 में जेल के अंदर ही इसे लोगों ने मार मार कर मार डाला। इसके बाद लिस्ट में है अल्बर्ट फिश। अल्बर्ट फिश 1870 से लेकर 1936 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। फिश को गिल्टी करार दिया गया था रेप करने के लिए, मारने के लिए और 3 बच्चों को 1900 का दशक में खाने के लिए। ये भी क्या करता था, बच्चों लोगों को खाता था। जब इसे पकड़ा गया तो इसने क्लेम किया कि इसने 100 से ज्यादा बच्चों लोगों को मारा है और ये हर स्टेट में किसी न किसी को ये मारा ही है बच्चों लोग को। ये भी अमेरिका का एक साइकोपैथ था। और एक बात तो वो बोलता है कि ये बोलता है कि ग्रेस बर्ड जो थी एक 10 साल का लड़की थी, ये लड़की को मारने के बाद उसका माँ को लेटर लिख के बताता है कि किस तरीके से मैंने उसका लड़की को मौत के घाट उतारा। तो वो लेटर में लिखता है कि मैंने किस तरीके से तुम्हारा लड़की को लालच देके अपने पास बुलाया, फिर उसका गला घोटा अपने हाथों से, फिर उसको पीस पीस किया, फिर 9 दिन तक उसका गोश्त को खाया। यानी कि पहले उसे किडनैप किया, उसे भुला के बहला के फुसला के अपने पास लेकर आया, फिर उसे गला घोट कर मारा, जब वो मर गई तो उसका बोटी बोटी किया, फिर उसको 9 दिन तक उसका गोश्त यानी कि मांस को मैं खाया। ये लेटर वो लिखता है उस विक्टिम का माँ को। तो सोचिए कैसा साइकोपैथ था। एक और नाम है जिसका नाम है जॉन वेन गेसी। जॉन वेन गेसी जो था ये भी एक साइकोपैथ था, सीरियल किलर था। इसे किलर क्लोन भी कहा जाता था क्योंकि इसका काम था बच्चों लोगों का बर्थडे पार्टी में जोकड़ बन के जाना, और ये इसे पोगो द क्लोन भी कहा जाता था। तो ये जब बच्चों लोग का बर्थडे पार्टी में जाता था तो इसके लिए समझ लीजिए बच्चों लोग का विक्टिम मिलना बहुत आसान था, बच्चों लोग आसानी से इसको शिकार मिल जाता था। जब इसे पकड़ा गया तो इसे रेप का चार्ज इसको पर थराया गया, टॉर्चर करके मर्डर करने का चार्ज इसको इसे चार्ज किया गया कि ये क्या करता था, रेप करता था, टॉर्चर करके मारता था लोगों को। ये ज्यादातर टीनेज बच्चों लोग को मारता था, टीनेज बच्चों लोग को, जवान लोगों को नहीं, टीनेज बच्चों लोग को मारता था। 33 टीनेज बॉय लोगों को मारा 6 साल के दौरान। पहले वो क्या करता था, उन बच्चों लोगों को लालच देके अपना घर बुलाता था, फिर वो गला घोट कर मारता था, फिर उसका एक प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी में ये बच्चों लोगों को दफना देता। तो गेसी को 1994 में एग्जीक्यूट कर दिया गया यानी कि मार दिया गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैक द रीपर। इसके बाद एक और मैं वीडियो लेकर आऊंगा अगर आप लोग कमेंट रहा तो, जहां पर मैं और भी सीरियल किलर लोगों के बारे में बोलूंगा। आज का वीडियो मैं जैक द रीपर के ऊपर खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को और वीडियो अच्छा लगा तो बोलिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा और भी साइकोपैथ के ऊपर। जैक द रीपर ये अनआइडेंटिफाइड सीरियल किलर रहा है 1888 के दशक का। इसके ऊपर मूवी, बहुत सारा नॉवेल भी बना है। आज तक पता नहीं जैक द रीपर असल में लड़का था कि लड़की था, कुछ नहीं पता। ये कौन सा साइकोपैथ था इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। नाम तो सब जानते हैं लेकिन इसका ट्रू आइडेंटिटी आज तक किसी को नहीं पता चला। ये लड़का था कि लड़की थी कुछ नहीं पता। तो जैक द रीपर भी एक सीरियल किलर था, एक साइकोपैथ था। 1888 के दशक में इसने क्या किया था, लंदन में जो व्हाइट चैपल जगह है वहां पर इसका खौफ मचा हुआ था और इसका टारगेट होती थी प्रोस्टिट्यूट। ये क्या करता था, प्रोस्टिट्यूट लोग को भला फुला कर या अपना कस्टमर बन के उन लोग को किडनैप करता था क्या कर, फिर उसके बाद उन लोग का थ्रॉट को काट देता था। सिर्फ इतना ही नहीं,
एब्डोमिन तक को काट देता था। ऐसा करके उसने 5 प्रोस्टिट्यूट लोग को मारा। कभी कभी वो क्या करता था, औरत लोग का जो यूटेरस है उसे भी काट के निकाल के अपना साथ एज अ प्राइज लेके चले जाता था। ऐसा लगता था कि इसने कोई बहुत बड़ा काम किया, जिस तरीके से आप अगर कोई मैच जीतते आपको प्राइज मिलता है, उसी तरीके से ये जो भी प्रोस्टिट्यूट को मारता था उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट अपना साथ लेके जाता था, और कभी कभी वो सर लेके चले जाता था, और ज्यादातर वो क्या करता था यूटेरस लेके चले जाता था औरतों का जो प्रोस्टिट्यूट को ये मारता था। तो आज तक जैक द रीपर का कोई ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं चला कि कौन था नहीं था, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा मूवी भी बन चुका है और बहुत सारा नॉवेल भी निकल चुका है इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक रिसर्च भी और स्टडी भी होता है जिसे रिप्रोलॉजी भी कहा जाता है। इसका ऊपर स्टडी भी हुआ है और स्टडी का नाम दे दिया गया ऐसा साइकोपैथ के स्टडी के नाम को ऊपर जो ऐसा मर्डर करता है उसको बोला गया रिप्रोलॉजी। सोचिए इतना फेमस ये सीरियल किलर था लंदन में, तो आज तक इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। तो दोस्तों आज मैं कुछ साइकोपैथ के बारे में आप लोगों को सामने लाया हूँ, और आपको और भी वीडियो चाहिए साइकोपैथ्स के ऊपर या और भी कुछ अलग टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर कर दीजिए।